अस्सलाम वालेकुम डियर फाल्कन्स बेटा कैसे हैं आप सब मुझे उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे फोर्थ क्लास मुझे उम्मीद है आपने अपने पिछले लेक्चर को अच्छे तरीके से सुना होगा क्वेश्चंस को नीटली अपनी नीट कॉपीज़ पे लिखा होगा और मैम को अपना होमवर्क भी सेंड किया होगा वेरी गुड बेटा आज हमारा साइंस का लेक्चर नंबर एटीन है जल्दी से अपनी साइंस की बुक्स लें ताकि हम लोग अपने लेक्चर की तरफ चलें फोर्थ क्लास पेज नंबर सिक्सटी फाइव अपने पिछले लेक्चर में हम यूनिट नंबर अलेवन कम्प्लीट कर चुके हैं आज हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं फिल इन सर्कल्स ऑफ़ द ऑप्शन ठीक ऑप्शन के सर्कल को फिल करना है नंबर वन एनी पुश और पुल इज कॉल्ड किसी चीज़ को धकेलना या खींचना क्या कहलाता है ऑप्शन नंबर वन वर्क ऑप्शन नंबर टू एनर्जी ऑप्शन नंबर थ्री फोर्स अब वर्क तो किसी चीज़ का काम करना है एनर्जी वो काबिलियत है जिसकी मदद से कोई काम किया जाता है और फोर्स किसी चीज़ को काम करने में मदद देती है यानी पुश और पुल तो इसका आंसर है फोर्स एमज नंबर टू वेन वी मूव समथिंग जब हम किसी चीज़ को हरकत करवाते हैं विद आवर हैंड्स अपने हाथों से वो यूज़ हम क्या इस्तेमाल करते हैं हमने फोर्स की फाइव जो है वो टाइप्स पढ़ी थी कौन कौन सी टाइप्स थी वो फाइव मस्कुलर फोर्स मकैनिकल फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स मैग्नेटिक फोर्स तो जब हम हैंड्स को यूज़ करें तो हमारे मसल्स पे फोर्स लग रही है तो जो फोर्स मसल से लग रही है वो क्या है मस्कुलर फोर्स द मकेनिकल फोर्स इज़ प्रोड्यूस्ड बाय अब मैकेनिकल फोर्स कैसे बनती है हमने पढ़ा था कि जब मशीन्स से फोर्स लगेगी या काम होगा तो वो मकेनिकल फोर्स है तो इधर आंसर आएगा मशीन्स वर्क इज़ डन काम होता है वेन जब नो फोर्स यूज कोई फोर्स इस्तेमाल नहीं होती नो डिस्टेंस इज कवर जब कोई फासला तय नहीं होता या एन ऑब्जेक्ट कवर सम डिस्टेंस एंडरा फोर्स एक ऑब्जेक्ट फोर्स लगने के वजह से कुछ डिस्टेंस कवर करता है उसे वर्क कहते हैं तो इसका आंसर है एन ऑब्जेक्ट कवर सम डिस्टेंस एंड्रा फोर्स ऑब्वियस बात है फोर्स तो लग रही है जब फोर्स लग रही है तो डिस्टेंस भी कवर हो रहा है तो इसका मतलब ये दो ऑप्शन तो नहीं हो सकते तो थर्ड वन जो कि है कि ऑब्जेक्ट जो है वो फोर्स के लगने की वजह से कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है नंबर फाइव टू डू वर्क वी नीड काम करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है एनर्जी एयर वाटर हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है एनर्जी होगी तो हम हर काम बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं नंबर सिक्स स्टोर्ड एनर्जी इज ऑल्सो कॉल्ड अब जो जमा की हुई एनर्जी है उसको क्या कहते हैं काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी मूविंग एनर्जी काइनेटिक एनर्जी तो जब कोई ऑब्जेक्ट मूवमेंट शो कर रहा है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है और जब एनर्जी स्टोर की हुई है वो पोटेंशियल एनर्जी है और हरकत की करती हुई एनर्जी मूविंग एनर्जी है तो इसका आंसर क्या स्टोर एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी विच फोर्स स्लो डाउन्स द मोमेंट कौन सी फोर्स मूवमेंट को आहिस्ता कर देती है हमारी हरकत को आहिस्ता कर देती है फ्रिक्शनल फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स तो किसी चीज़ को रब करने से फोर्स आती है मस्कुलर फोर्स मसल्स की फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेट की फोर्स तो जब मसल्स किसी चीज पे फोर्स लगाएंगे तो उस चीज को उसकी मूवमेंट को स्लो कर देंगे तो इसका आंसर है मस्कुलर फोर्स नंबर एट अर्थ अप्लाइज डैश फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट जमीन चीज़ों पे कौन सी फोर्स अप्लाई करती है नंबर वन इज ग्रेविटेशनल फोर्स मकैनिकल फोर्स या फ्रिक्शनल फोर्स अब फ्रिक्शनल फोर्स तो ड्रप करने से आती है मैकेनिकल फोर्स म, मशीन से होती है और ग्रेविटेशनल फोर्स वो फोर्स है जो कि जमीन हम ऑब्जेक्ट्स पर लगाती है तो इसका आंसर है ग्रेविटेशनल फोर्स ये तो हमारे एम सी की जब आगे चलते हैं पेज नंबर सिक्सटी सिक्स फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग द फॉलोइंग साइंस वर्ड नीचे दिए गए साइंस वर्ड्स को फिलिंग दी ब्लैंक्स जो हमारे फिल ब्लैंक्स हैं खाली जगह उनमें पुर्ड करना है नंबर वन फ्रिक्शन अकर्स वेन टू ऑब्जेक्ट डैश अगेंस्ट चीज अदर जब दो चीज़ें आपस में रगड़ी जाती हैं तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है तो रगड़ना यानी रब करना तो इसका आंसर है रब द फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय अ मैग्नेट वो फोर्स जो एक मैग्नेट से बनती है उसे हम क्या कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स वेरी गुड तो इसमें आएगा मैग्नेटिक आवर फोड आवर फूड हैज़ डैश एनर्जी हमारे खाने में कौन सी एनर्जी है हमारे खाने में कोई मूवमेंट तो नहीं हो रही लेकिन उसके अंदर एनर्जी ज़रूर स्टोर है क्योंकि हम जब हम उसे खाते हैं तो वो एनर्जी हमारे अंदर आ जाती है तो जब कहीं पे स्टोर्ड एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी है नंबर फोर मूविंग थिंग्स हैव डैश एनर्जी जो चीज़ें हरकत कर रही हैं उनमें कौन सी एनर्जी है जब कोई चीज़ हरकत कर रही है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई है नंबर फाइव अर्थ अप्लाइज डैश फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट ऑन इट्स सरफेस ज़मीन अपनी सत्ता पे मौजूद चीज़ों पर कौन सी फोर्स लगाती है हम अपने एम सी में भी खर, इसको कर इसको सॉल्व करके आए हैं ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि जमीन अपने ऊपर मौजूद चीज़ों पे ऑब्जेक्ट्स पे लगाती है ये हमारे फिल्म ब्लैंक्स कंप्लीट हो गए बाकी अपनी साइंस फ्रेंड की तरफ चलते हैं लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स एंड नेम द फोर्स यूजिंग द मूव ऑन मूव द ऑब्जेक्ट उन्होंने कहा इन चीज़ों को मूव करवाने के लिए मैं किस फोर्स की जरूरत है उसका नाम नीचे लिखे ये मशीन जो है वो यूज़ हो रही है तो जहाँ पे मशीन की मदद से जो फोर्स है उसे हम कहते हैं मकैनिकल फोर्स यहाँ पे ये बच्चा किसी चीज़ को पानी के अंदर फेंक रहा है वो कंप्लीट उस पर अपने फोर्स लगा रहा है हाथ से यूज़ कर रहा है तो जहाँ पे हाथ यूज हो रहे हैं वहाँ मसल्स यूज हो रहे हैं और मसल से मस्कुलर फोर्स लगती है तो इसका आंसर है मस्कुलर फोर्स अभी एक दरख की पिक्चर है जिसके ऊपर फ्रूट लगा हुआ है अब ऑब्वियस बात है वहाँ से कोई चीज़ नीचे गिरेगी तो वो किस फोर्स की मदद से गिरेगी जो ज़मीन उस चीज़ पे लगा रही है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो उस पर यूज़ होगी बाईसाइकल जो है वो साइकिलर बाईसाइकिल चला रहा है चला साइकिलिंग कर रहा है अब उसकी टांगों के मसल्स यूज़ हो रहे हैं तो यहाँ पे भी मस्कुलर फोर्स ये थी हमारी साइंस फन हमारा आज का लेक्चर मुझे उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी अब अपनी डायरी की तरफ चलते हैं फॉर क्लास अपनी डायरी नोट कर लें यूनिट नंबर 11 पेज नंबर फिफ सिक्सटी फाइव एंड सिक्सटी सिक्स एक्सरसाइज लर्न आपने इस एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से याद करना है नीटली अपनी बुक पे नोट करना है मुझे उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़